वेलकम बैक फ्रेंड्स। और एक 2D सेशन है, 2D प्रैक्टिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये सामने है 2D हमारा। हम इसको यहाँ पे देखते हैं। इसको आप आज 2D में बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, वर्क प्लेन, जीरो, एंटर। वर्क फ्रेम, जीरो, डाया है इसका इनर डाया 26, 26। तो 3 होल्स 26 डाया के है। इसका मतलब ये 1, 2 एंड 3। हमेशा इनर होल जो होता है, इनर सर्कल, वो होल आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो होल है, क्योंकि होल तो अंदर ही होता है, आउटर तो होल नहीं हो सकता। तो आउटर डाया है 60। तो सेम प्रोसेस, कॉपी पेस्ट। पता होगा आपको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डाया 60। देन यहां से ये 90 डिग्री, सॉरी डिस्टेंस है 90 mm, और इस सेंटर से 30 mm। तो इसको मैं एडिट मूव के अंदर कॉपी एक्टिवेट, तो ये एक्स ऊपर जाएगा तो वाई में चलेंगे 90। हमेशा ये इसका कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई सिंबल दिखाता नहीं है, क्योंकि पहला आता है एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। ये सबको पता होने चाहिए, ठीक है? तो अगेन एक्स में 30, इसको फिर कॉपी करते हैं इधर। 30 प्लस 42 मतलब 72, माइनस में जाएगा। ये एक्स इधर प्लस है, इधर माइनस है, -72, ठीक है? तो इस सेंटर में 44 आउटर डाया 44, तो यहाँ पे 22 रेडियस हो गया। सेम इधर भी, ट्वेंटी टू देन वर्क फ्रेम, फिटेड आर्क, टेंजेंट, टेंजेंट क्लिक, देन रेडियस इज 23। ओके, टेंजेंट, टेंजेंट, हियर इज योर रेडियस 105, एंड लाइन, टेंजेंट, एंड टेंजेंट इस सर्कल, ओके, क्लिक इट, फुल सर्कल, अगेन फुल, एंड हियर इज योर फुल सर्कल, ओके। आई थिंक टॉप सेक्शन इज कंप्लीट। देन लेट्स गो फॉर द लोअर सेक्शन। तो हियर पीसीडी इज नॉट गिवेन, तो हम इसको अज्यूम करते हैं 22 पीसीडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉपी पेस्ट,
23। लेट्स गो फॉर 23। योर डाया शुड बी 44। ओके तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे सर्कल रखा जिसका डाया है आपका 5। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, मेरे पास ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, पैटर्न कितना है, 6 होल सर्कल 6, ठीक है। तो अगेन गो फॉर स्टाइल टूल बार, मेक इट सेंटर लाइन, दैट इज द लाइन थिकनेस। आप अगर चाहे तो यहाँ पे सेंटर लाइन दे सकते हैं, तो सिलेक्ट करके मैं सेंटर लाइन दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज इसमें डायमेंशनिंग भी करके देख सकते हैं आप, आज वो भी कर लेते हैं एक बार अनोटेशन। यहाँ पे चाहे तो ड्राफ्टिंग में जाके कर सकते हैं, वो बाद में हम जब सॉलिडर सरफेस सीखेंगे तब उसके बाद हम ड्राफ्टिंग में चलेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हैं अनोटेशन, उसके लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिक अनोटेशन में आके डायमेंशनिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके इसका आर्क के, यहाँ से 5, लेटर की हाइट 5 हो गया, ये चेंज हो गया। इसके बाद हम दोबारा अगर लाएंगे तो वही सेम पुराना सेटिंग में दिखाता है, तो इसको पहले ही डायमेंशनिंग आप पिक करने से पहले ही आप इसको सेट कर लें 5। इसके बाद ये सेटिंग चेंज नहीं होगा। चलिए करते हैं 90। ये 0 0 अगर प्रिसिशन हटा सकते हैं तो ये हटा पाएंगे आप, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप ये हटा सकते हैं, यहाँ से भी मैं डायमीटर लेके सेट कर सकता हूँ। रेडियस यहाँ पे हम मेंशन करने के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एनोटेशन में जाके यहाँ पे पहले बी4 में आप लिख सकते हैं 6 होल्स दया 10।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो नेक्स्ट मिलते हैं, अगर नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कि सरफेस स्टार्ट कर दें, नहीं तो एक दो और हम 2D ड्राइंग कर रहे हैं उसके बाद सरफेस स्टार्ट करेंगे। क्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।